अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जाने के लिए रेडी हो रहे हो आज? अरे कहीं नहीं यार, कहाँ जाऊंगा, वही रोज की तरह ऑफिस जा रहा हूँ। आज मत जाओ ना यार, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। प्लीज आज मैं थोड़ी शॉपिंग करा लाऊं, मार्केट चलो मेरे साथ। मैं तेरे को फिर शॉपिंग करा लाऊंगा किसी और दिन, आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। जाओ, मेरी तो कोई परवाह नहीं तुम्हें, हमेशा काम काम काम, मेरे लिए कभी टाइम निकालते हो आप? ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, फिर गुस्सा हो गई। चल ठीक है, कल करा लूंगा तेरी शॉपिंग, आज मुझे जाने दे ऑफिस, आज बहुत जरूरी काम है कसम से। मुझे नहीं करनी शॉपिंग, जाओ तुम करो अपना काम। मेरी जान गुस्सा मत करो, अरे कल दिला लाऊंगा तुम्हें जो तुम कहोगे। क्यों गुस्सा कर रही हो यार, आज मेरा बहुत जरूरी है ऑफिस जाना, तुम्हारी कसम कल पक्का चलूंगा। पक्का? जो बोलूंगी वो दिलाओगे ना? अरे पक्का, जो तू बोलेगी वही दिलाऊंगा, तुझे नहीं दिलाऊंगा तो और किसे दिलाऊंगा मेरी जान। चलो ठीक है, लेकिन कल फिर मना मत कर देना। मैंने तेरी कसम खा ली, अब तो मैं तेरी कसम में झूठ खाऊंगा, जब बोल दिया कल दिला लाऊंगा तो दिला लाऊंगा। चलो ठीक है। चलो अब बैग ला दो मेरा जल्दी से। हाँ अभी लेकर आती हूँ मैं, चलो अभी। हाँ जी बस आ गई। अरे वो आपका लैपटॉप रख रही थी, चार्ज पे लगा हुआ था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, रख दिया सारा सामान? हाँ जी, और आपका लंच भी रख दिया। चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आप भी ध्यान से जाना। ठीक है, बाय बाय। यार मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मैं कल आऊंगी पक्का। अरे मैं सच में आऊंगी कल। अरे मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, मैं पक्का आ जाऊंगी, मैंने बोला ना। अरे तुम बिल्कुल भी नाराज मत हो। हाँ हाँ आऊंगी आऊंगी, चिंता मत करो। अरे आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, बस तुम किससे बात कर रही थी? वो मम्मी थी, कह रही थी बहुत दिन हो गए मिलने का मन कर रहा है, तो मैंने बोल दिया कि हाँ दो चार दिन में आऊंगी मैं आपके पास। चलो ये तो बहुत अच्छा करा। और बताओ खाना वाना खा लिया तुमने? हाँ खाना तो मैंने खा लिया। चलो ठीक है, मेरा भी बना दो जाके। अरे मैंने खाना बना लिया है, आप मुँह हाथ धो लो, मैं खाने लगाती हूँ। अच्छा वैसे बनाया क्या आज खाने में? मैंने आज मटर पनीर बनाई है। अरे वाह, चलो तो फिर मुझ पर इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी लगा दो। हाँ हाँ आप मुँह हाथ धो लो, मैं लगाती हूँ। हाँ जी आई जी, बोलिए। तुम अब तक तैयार भी नहीं हुई यार इतांजी, चलना नहीं है क्या मार्केट? मार्केट आज नहीं, आज मेरी तबीयत खराब लग रही है, हिम्मत नहीं हो रही आज जाने की। क्या तबीयत खराब हो रही है? हाँ। क्या हुआ, दवाई दिलवा के लाऊं? नहीं नहीं दवाई मैंने ले ली, पता नहीं शरीर दर्द कर रहा है पूरा, सर में दर्द हो रहा है, बुखार सा भी लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर आराम करो, मार्केट हम कल चल लेंगे। चलो ठीक है। अच्छा
चलो ठीक है यार, वैसे टाइम भी बचा हुआ ऑफिस जाने के लिए, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा लेकिन चला ही जाता हूँ। एक काम करो, मेरा बैग रखा होगा उसे उठा के दे दो। हाँ ये ठीक है, फिर आप कल की छुट्टी कर लेना, हम कल चलेंगे शॉपिंग पे। नहीं नहीं तानसी, कल तो जरूरी मीटिंग है, मैं कल की छुट्टी नहीं कर पाऊंगा। एक काम करते हैं, फिर हम परसों को चलेंगे। चलो ठीक है, परसों चल लेंगे। आप बैठो, मैं आपका बैग लाती हूँ। ठीक है। लीजिए जी बैग। वाह तानसी, चलो ठीक है मैं चलता हूँ, तुम दवाई ले लेना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। चलो सही है, मैं नहीं गई वरना ये फिर गुस्सा हो जाते। कॉल करती हूँ उनको। हेलो। हेलो, कहाँ हो? मैं तो घर पे ही हूँ अपने। अच्छा घर पे हो? हाँ, वैसे तू मिलने के लिए कह रही थी आज। हाँ तभी तो मैंने कॉल किया है, बताओ कहाँ मिलना है। अच्छा तुम वहीं आ जाओ जहाँ रोज मिलते हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। जल्दी आना लेकिन। हाँ हाँ बस आ रही हूँ। मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। ठीक है जी, आती हूँ मैं। ठीक है आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आज इनसे मिल लूँगी, बहुत दिन हो गए वरना ये गुस्सा हो जाएंगे। थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। लग रहा बैठे तो हैं, गुस्सा होंगे देखने पर। मिल गया टाइम आने का? यार सॉरी थोड़ा लेट हो गई। बैठो, क्या कर रही थी जो इतना लेट हो गई? अरे यार तुम्हें पता है ना वो ऑफिस जाते हैं और आज वो लेट ऑफिस गए हैं इसलिए मैं लेट हो गई। बाकी थोड़ा घर का काम भी था वो भी करके आई हूँ। और कुछ बहाना बताना मुझे? बताना हो तो बता दे। और अरे यार मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, देखो मैं आई तो हूँ तुमसे मिलने। चलो छोड़ो अब इस बात को, अब ये बताओ तुमने मुझसे तो शादी करी नहीं और उससे शादी कर ली, अब ये बताओ कब तक छोड़ोगी उसे, कब करोगी मुझसे शादी? निशान तुम्हें पता तो है कि शादी मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती करवाई है, इसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है ना। अब मैंने तुम्हें बोला ना मैं उन्हें बहुत जल्द छोड़कर तुमसे शादी करूँगी। ऐसे करते करते तो तुझे एक महीना हो गया, अब मुझे तो लग नहीं रहा कि तुम मुझसे शादी करेगी भी या नहीं। अरे यार मेरे भरोसा करो, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगी समझे, और हम मिलते तो हैं चुपके चुपके। अरे मुझे ऐसा नहीं मिलना ना तुमसे, तो कभी कभी तो हम मिलते हैं, अब मुझे तो हमेशा रखना तुम्हें अपने पास। जब ही तो कह रहा हूँ तुमसे कि कर लो मुझसे शादी। निशांत बस थोड़े दिन की बात और है, प्लीज़ थोड़ा और मैनेज कर लो, उसके बाद मैं उसको डिवोर्स दे तो रही हूँ। चलो देखता हूँ तुम्हारे थोड़े दिन और, अब एक काम करते हैं अब चलते हैं। ये बताओ कहाँ चलोगी अब? नहीं नहीं मुझे घर जाना है, लेट हो गया वैसे ही। अरे घर तो चले ही जाना, एक काम करो कुछ खाने चल रहे हैं। चलो ठीक है। चलो अरे ये तो मुझे आर्यन की वाइफ लग रही है, ये लड़का कौन है यार इसके साथ जो उसके हाथ में हाथ डाल के जा रहा है? होगा शायद इसका कोई भाई भाई होगा, मुझे क्या करना। बहुत थक गया यार आज तो। तानसी, तानसी जी आई, आ गए आप? हाँ आ गया। आप बैठिए मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं पानी ले आना पहले, बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? हाँ मेरी तबीयत ठीक है अब। चलो ठीक है ले आओ एक गिलास पानी अभी लाई।
चलो ठीक है यार, कम से कम इसकी तबीयत तो ठीक हो गई। और भाई आर्यन क्या हाल चाल है? अरे परतोष भाई तुम? हाँ भाई। और संजय भाई? बढ़िया भाई बढ़िया, तुम सुनाओ? मैंने सोचा मगर आज आर्यन से मिलते चले। भाई बहुत बढ़िया कराया तूने, कम से कम इस बहाने तू आ तो गया। और बता। हाँ भाई तू तो आता नहीं मिलने, हमने सोचा हम आज आर्यन से मिल ले। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं भी आ जाया करूँगा मिलने, क्यों घबरा रहा है? चलो वो तो छोड़ो आर्यन, तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई भाई भाई आ रखा है क्या? नहीं यार कोई भाई नहीं आ रहा मेरा तो। पानी। तांजी जाओ इनके लिए भी दो गिलास पानी ले आओ। अच्छा अभी ले। अरे नहीं नहीं भाभी, पानी वानी कुछ नहीं, हम तो बस आर्यन से मिलने आए थे। अरे यार पी लो पानी। अरे नहीं आर्यन अभी बस हम पी के आया पानी तो। चल ठीक है ये सब छोड़, ये बता वैसे तो भाई के बारे में क्यों पूछ रहा था? वो मैंने भाभी के साथ देखा है ना एक लड़का, सोचा आपका भाई भाई होगा। हैं कौन लड़का था तुम्हारे साथ? वैसे कहाँ देखा था भाई तूने? मैंने भाई इधर ये पीछे का पार्क है ना वहीं पे देखा था दोनों को। अरे नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई होगी, कोई और होगा, मैं तो पार्क जाती ही नहीं कभी, और आज तो मेरी तबीयत भी खराब है, आज मैं पूरा दिन घर में ही थी, आपको गलत फहमी हुई होगी। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रही है, आज तो उसकी पूरे दिन से तबीयत खराब है, आज ही मेरे साथ शॉपिंग करने भी नहीं गई इसलिए, और ये तो अकेली बाहर जाती भी नहीं है। अरे हाँ हाँ आर्यन तुम ठीक कह रहे हो, शायद मेरे से गलती हो गई, कोई और होगी। हाँ हाँ भाई कोई और ही होगी। जाओ हितांशी तुम अंदर जाकर आराम करो। ठीक है जी। और सुना आर्यन भाई? बस यार और क्या सुनो, तुम दोनों तो मुझे डरा ही दिया था आज। अरे नहीं आर्यन यार ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मेरे से कोई गलती हुई है, कोई और होगी यार। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आर्यन भाई अब हम चलते हैं, हम तो तेरे से मिलने के लिए आए थे। चलो ठीक है भाई। ठीक है भाई। ठीक है भाई मिलते हैं। और बताओ निशांत अब तुम खुश तो हो ना? देखो हम हमेशा बाहर मिलते थे, आज मैंने तुम्हें घर पे ही बुला लिया। अरे वो बात तो ठीक है तेरी, लेकिन ये बता वो कहाँ है, कहीं वो आ ना जाए? अरे वो अभी नहीं आने वाला, वो शाम तक ही आएगा। अच्छा तो एक बात बता तू कब दे रही है उसे तलाक? अरे यार सही टाइम आए ना दो, सब ठीक हो जाएगा, मैं उसे तलाक बहुत जल्दी दे दूंगी। यही बात तू उस दिन पार्क में कह रही थी और यही बात अब कह रही है। अरे यार दिक्कत क्या है, देखो आज मैंने तुम्हें घर पे बुला लिया ना, बस ऐसे ऐसे सब ठीक हो जाएगा और उसे तलाक भी दे दूंगी बहुत जल्दी। चल देखते हैं कब देगी तो उसे तलाक। अरे अब क्यों परेशान हो रहे हो, अब तो मैं रोज तुम्हें घर पे बुलाऊंगी उसके ऑफिस जाने के बाद। अरे तू क्या बुलाएगी, अब तो मैं रोज ऐसे ही आ जाऊंगा तेरे घर पे। निशांत मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। जितना प्यार तुम शादी से पहले करते थे उतना ही अब करते हो ना? अरे यार ये कैसी बात कर रही है तू, मैं जब भी तुझे बहुत प्यार करता था और अब भी बहुत प्यार करता हूँ तुझे। अच्छा जी I love you so much. Love you too. दरिया में मैं सफर खुशियों का ढूंढता हूँ, कनारा इधर उधर करता हूँ आज दर्द के दरिया में मैं सफर खुशियों का ढूंढता हूँ, कनारा इधर उधर। ऐ बेवफा ये तेरी जफाओं की हद हुई, क्या तुझको मिल गया है मेरे दिल को तोड़कर। Thank you.
शहर में लुट गए बेवफा हम तेरे शहर में भूल हमसे हुई दिल तुझे दे दिया लुट गए बेवफा। अच्छा ठीक है तांशी, अब मैं चलता हूँ, अब बहुत देर हो गई। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ देती हूँ। सनम तुझ पे मैंने भरोसा किया लुट गए बेवफा। अरे आर्यन का बैग और गेट भी खुला हुआ है, लगता है वो आ गया और उसने हमको साथ में देख लिया है। वो शायद चला गया हमें छोड़कर। चलो अच्छा है, अब हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। तू पागल वागल हो गई है, पहले तो मेरा हाथ छोड़, मैं तुझसे शादी करूँगा, जो अपने पति की ना हुई वो मेरी क्या होगी। निशान तुम ये क्या बोल रहे हो? और रही बात प्यार की, प्यार में तुझसे शादी से पहले करता था, अब तो बस तेरे साथ टाइम पास करता हूँ, हट। निशान 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 रुको। हितांशी मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम इसके साथ खुश हो ना तो इसके साथ खुश रहना, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ तुमसे और इस दुनिया को छोड़ के, गुड बाय। आर्यन नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, मैंने आर्यन के साथ बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं हो सकता। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उनको लेके आऊंगी, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। तुझको अपना समझते थे जाने अदा, तुझको अपना समझते थे जाने अदा, लुट गए बेवफा हम तेरे शहर में, तुझको अपना समझते थे जाने अदा, लुट गए। अरे कहाँ जा रहा है तू? कहीं नहीं भाई। और तू रो क्यों रहा है आर्यन? बस वैसे ही भाई। अरे आर्यन क्या हुआ, रो क्यों रहा है भाई तू? बस वैसे ही रो रहा हूँ भाई, चलता हूँ मैं अब। कहाँ जाना है, कहाँ जा रहा है तू बता, तू यार कम से भाई। भाई आज का मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा। अरे सुन तो आर्यन, हुआ भी है। भाभी तुमने आर्यन को देखा है? हाँ अभी तो गया, आर्यन इधर जा रहा था वो भी। अरे भाभी सुनो तो क्या हुआ? कोई धाता नहीं, हमने समझा मोहब्बत का तुझको खुदा, हमने समझा मोहब्बत का तुझको खुदा, लुट गए बेवफा हम तेरे शहर में, हमने समझा मोहब्बत का तुझको खुदा, लुट गए आर्यन उठो ना।